नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाउ टू केयर फ्लावर ऑन फिश। आज मैं इसी सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और मैं थोड़ी आपसे जानकारी देने वाला हूँ। मेरे पास एक फ्लावर ऑन फिश टोटल केयर किट है जो एक्वाटिक रेमेडाइज कंपनी का है। ये किट को मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और इससे ये सबसे अच्छा फ्लावर ऑन फिश के लिए किट है। आप ये फ्लावर ऑन फिश के साथ अरवाना फिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस किट में क्या क्या आता है। इस किट में 5 टाइप के अलग अलग लिक्विड बॉटल्स आते हैं। और इसके साथ एक यूज़र गाइड भी आता है जिसमें इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है और आपको दिखाया है कि फिश को कौन से डाइसेस या सिम्टम्स होते हैं और उनके लिए ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ ही आगे वार्म आउट, ये लिक्विड जो दिया इन्होंने, इसमें फिश डीवॉर्मिंग फार्मूला दिया हुआ है और इसके डोसेस और यूजेस कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको दिखाया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। पहली बॉटल है जनरल क्यूअर, ये एंटी वाइट स्पॉट फार्मूला है, यानी फ्लावर ऑन फिश या अरवाना फिश के ऊपर जो वाइट स्पॉट होते हैं उसके लिए यूज़फुल है। दूसरा है पैरासिडॉल। तीसरी बॉटल है बैक्टोनिल FW। फोर्थ नंबर की बॉटल है ट्रेसिल्स और 5 नंबर की बॉटल है वार्म आउट। अब मैं आपको इन बॉटल के बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर हॉर्न का कलर डार्क या लाइट होता है या फ्लावर हॉर्न नॉट एक्टिव होते तो आपको कौन कौन से लिक्विड यूज़ करने चाहिए और डोसेस कैसे देने चाहिए। आप देख सकते हैं कभी कभी फ्लावर हॉर्न फिश का कलर लाइट हो जाता है और उन एक्टिव नहीं रहती, यानी एक ही जगह पर रहना या खाना नहीं खाना, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो। तब आप बैक्टोनिल FW और पैरासिडॉल FW के डोसेस देना चाहिए। कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यू डोसेस देने चाहिए और पानी कम से कम 50% चेंज करना चाहिए। 3 दिनों के बाद आपको फर्क जरूर दिखेगा। ये प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और ये सही में सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, ये मेरे हिसाब से है, यानी कि मैं इस केयर किट पे भरोसा कर सकता हूँ। और ये किट बहुत ही सस्ते में आता है, ये ऑनलाइन मिलता है अमेज़ॉन पे, इसके लिंक मैं अभी आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा है फ्लावर हॉर्न नॉट एक्टिव ट्रेस नो फीडिंग टेक, उसके लिए भी ये काम में आता है। उसके बाद क्लाउडी आईज, इन्फेक्टेड स्किन, बैक्टेरियल इन्फेक्शन, इसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी फ्लावर ऑन फिश के हेड में सेंटर में एक होल होता है तो बहुत जनों को चिंता होती है कि अभी होल कैसे जाए, तो उसके लिए भी इसमें दिखाया हुआ है। उसके लिए पैरासिडॉल FW और बैक्टोनिल FW 3 दिन तक यूज़ करने चाहिए और कम से कम 20% वाटर चेंज करना चाहिए एवरी डे। उसके बाद कभी कभी फिश अपनी बॉडी रॉक बोलो या सैंड से बोलो घिसते हैं तो उसके लिए भी इसमें सब लिखा हुआ है। स्किन ब्लेडर इंफॉर्मेशन, रेडिस इन्फ्लेमेशन, वाइट एक्स्ट्रा और डक लिप डाइसिस। डक लिप डाइसिस यानी फ्लावर ऑन के लिप्स कभी कभी बड़े हो जाते हैं और वाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इलाज इसमें सब लिखा हुआ है। तो ये जो किट है ये सबसे अच्छा किट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये किट पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मेरे फ्लावर ऑन के लिए और मुझे इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आप भी, अगर आपके पास भी फ्लावर ऑन है और उसको कुछ हुआ है तो आप ये किट मंगवा के ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। उसकी ये किट कैसा यूज़ करना चाहिए, डोसेस कितने देने चाहिए, कितना ML देना चाहिए, इसकी सबकी जानकारी इस यूज़र गाइड में दी हुई है। और ये
डोसेस देते वक्त आपको ये जानना जरूरी है कि आपका टैंक कितने लीटर का है, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। और डोसेस जैसे इन्होंने लिख के दिए हुए हैं वैसे ही देना, तो आपको ये ज़्यादा इफेक्ट देगा। और पीछे भी इन्होंने वार्म आउट फेस डी वार्मिंग फार्मूला लिखा हुआ है। डी वार्मिंग फार्मूला यानी कम से कम 3 महीने में एक बार करना चाहिए अरवाना फिश या फ्लावर हॉर्न फिश के लिए। आप ये डिस्कस फिश के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी जानकारी भी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर्स कीजिए। गुड बाय।